नमस्कार, मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल प्रणव क्लासेज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार SSC मेंस एग्जाम के लिए हिंदी भाषा, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण पेपर है बिहार SSC मेन एग्जाम के लिए, जिसमें पास होना सबका अनिवार्य है। तो उसके लिए हिंदी वर्णमाला से जुड़े हुए 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके बिहार SSC मेंस एग्जाम में हिंदी विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यह यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट आदि सभी एक दिवसीय एग्जाम में जहां हिंदी एक विषय है, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल प्रणव क्लासेस के साथ, क्योंकि यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, उनसे जुड़े हुए टॉपिक विस्तार से। तो यहाँ आपके एक दिवसीय एग्जाम के सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना प्रश्न, हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पे ल यह किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ल यह पार्श्विक ध्वनि है। इसके साथ साथ ल को अंतस्थ भी कहा जाता है, यह अंतस्थ व्यंजन भी है, सघोष भी है और अल्पप्राण भी है। यह अल्पप्राण भी है, यानी ल यह हमारा चार कैटेगरियों में विभाजित है। प्रयत्न के आधार पर ल पार्श्विक ध्वनि है, उसके अलावा यह अंतस्थ ध्वनि है, सघोष ध्वनि भी है और अल्पप्राण भी है। नेक्स्ट, वर्णमाला किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है शब्द समूह को, दूसरा ऑप्शन है वर्णों के संकलन को, तीसरा ऑप्शन है शब्द गणना को, चौथा ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। नेक्स्ट, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ ध्वनियां यानी जिनका उच्चारण कंठ से होता है, वो ध्वनियां कौन सी हैं? पहला ऑप्शन है क और ख, दूसरा ऑप्शन है य और र, तीसरा ऑप्शन है च और ज, चौथा ऑप्शन है ट और ण। तो बताइए कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? इसका सही उत्तर है क और ख, क्योंकि ये जो कंठ ध्वनियां हैं इनमें हमारे क वर्ग के सभी वर्ण आते हैं। क वर्ग यानी क ख ग घ ङ, ये सारे वर्ण ये कंठ ध्वनियों में आते हैं। नेक्स्ट, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन ये कौन से हैं? पहला ऑप्शन है ग और घ, दूसरा ऑप्शन है ज और झ, तीसरा ऑप्शन है ड और ढ, चौथा ऑप्शन है प और फ। तो बताइए कि इनमें से कौन से हैं जो मूर्धन्य व्यंजन हैं? इसका सही उत्तर है ड और ढ। मूर्धन्य व्यंजन में जो वर्ण आते हैं वो कौन से हैं? रि, इसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सभी आते हैं मूर्धन्य व्यंजन में। इसके अलावा ये श, ये भी आता है मूर्धन्य में। तो ट वर्ग के ये पांच वर्ण ट वर्ग में, प्लस ये रि और ये स, यानी सात वर्ण हैं जो मूर्धन्य व्यंजन हैं। तो ये ड और ढ ये दोनों ट वर्ग से हैं, तो ये दोनों मूर्धन्य व्यंजन हैं। नेक्स्ट, निम्न में से अल्पप्राण वर्ग वर्ण कौन से हैं? निम्न में से अल्पप्राण वर्ण ये कौन से हैं? इसका पहला ऑप्शन है छ और झ, दूसरा ऑप्शन है क और ग, तीसरा ऑप्शन है थ और ध, चौथा ऑप्शन है फ और भ। तो बताइए निम्न में से अल्पप्राण ये वर्ण कौन से हैं? इसका सही उत्तर है अल्पप्राण ये क और ग। अल्पप्राण जो व्यंजन होते हैं ये हर वर्ग में, चाहे वो क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग हो, पवर्ग हो, इन सब में पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन यह अल्पप्राण कहा जाता है। पहला, तीसरा और पांचवा, चाहे वो कवर्ग हो, चवर्ग हो या टवर्ग, तवर्ग, कोई सा भी वर्ग हो, सभी वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा उसे अल्पप्राण कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है, यानी किसकी
उच्चारण में नासिका का योगदान होता है। पहला ऑप्शन है श, दूसरा ऑप्शन है य, चौथा ऑप्शन है ग, पांचवा ऑप्शन है सॉरी चौथा ऑप्शन है ज। तो बताइए कौन सा नासिक व्यंजन है? इसका सही उत्तर है य। नासिक जो व्यंजन है यह है य। नासिक व्यंजन जो हैं इनमें कौन कौन से आते हैं? नासिक व्यंजन में अंग, इसके अलावा अंग, इसके अलावा य, न, न और म, यानी ये सारे व्यंजन जो हैं ये नासिक के व्यंजन हैं। यह समझ लीजिए कि जितने भी हमारे वर्ग हैं उन सबका जो पांचवा अक्षर है वो सब का सब नासिक के है। इसके अलावा अनुस्वार ये भी नासिक में है यानी अंग। नेक्स्ट, ए अ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और अ वर्ण ये क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है नासिक्य, दूसरा ऑप्शन है मूर्धन्य, तीसरा ऑप्शन है ओष्ठ्य, चौथा ऑप्शन है कंठतालव्य। तो बताइए ए और अ इन वर्णों को क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं कंठतालव्य। ये कंठतालव्य वर्ण हैं। इनके उच्चारण में कंठ का भी योगदान होता है, तालु का भी योगदान होता है, इसलिए इन्हें कंठतालव्य वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह, अयोगवाह पहला ऑप्शन है अ और आ, दूसरा ऑप्शन है ई और ई, चौथा ऑप्शन है ऊ और उ, पांचवा ऑप्शन है अंग और अह। तो बताइए हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह ये अंग और अह को कहते हैं। कुछ हिंदी के विद्वान हैं जो अंग और अह को स्वरों की श्रेणी में भी रखते हैं और कुछ लोग इसे स्वरों की श्रेणी से अलग रखते हैं और इन्हें अयोगवाह कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वितत्व व्यंजन है? द्वितत्व व्यंजन इसमें से किस में है? पहला ऑप्शन है पुनः, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है उत्साह। तो बताइए इनमें से किस में द्वितत्व व्यंजन है? बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें दिल्ली, इसमें द्वितत्व व्यंजन है। नेक्स्ट, श, श और स, स, श, स, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये जो चारों हैं तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह, इन्हें कौन सा व्यंजन कहते हैं? पहला ऑप्शन है प्रकंपी, दूसरा ऑप्शन है स्पर्शी, तीसरा ऑप्शन है संघर्षी, चौथा ऑप्शन है स्पर्श संघर्षी। तो बताइए श, स, स और ह ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन। ये चारों जो हैं श, स, स, स और ह ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें से ये तालव्य स, मूर्धन्य स और ये दंत स, इन्हें अघोष भी कहते हैं और महाप्राण भी कहते हैं। ये संघर्षी व्यंजन तो हैं ही, उसके अलावा इनका जो कैटेगराइजेशन है वो अघोष वर्ण में भी है और महाप्राण में भी है, और साथ ही साथ ये ह, ह को हम सघोष वर्ण में रखते हैं और महाप्राण में, ह को सघोष में और महाप्राण में रखते हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ख, ग, दूसरा ऑप्शन है ऊ, ऊ, तीसरा ऑप्शन है ए, ए, सॉरी ए, ए, और चौथा ऑप्शन है श, स। तो बताइए इनमें से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? इसका सही उत्तर है ख और ग, जिनके नीचे ये बिंदी लगे हुए हैं, ये ध्वनियां नवीन विकसित हैं, ये अरबी फारसी से हिंदी में आई हैं। पहले ये नुक्ता लगे हुए वर्ण हिंदी में नहीं यूज होते थे, तो नवीन विकसित ध्वनियां ये ख और ग हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण कौन सा है? पहला ऑप्शन है ख, दूसरा ऑप्शन है च, तीसरा ऑप्शन है म और चौथा ऑप्शन है ठ। तो बताइए कि निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? इसका सही उत्तर है घोष वर्ण म है, यानी हमारा ऑप्शन सी ये सही उत्तर है। जो वर्ण है ये दो तरीके से बांटे गए हैं, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। अघोष वर्ण कौन कौन से हैं? ये सभी वर्ग के पहले और दूसरा वर्ण, पहला और
दूसरा, ये हर वर्ग का पहला और दूसरा ये वर्ण जो होगा वो अघोष वर्ण है हर वर्ग का। इसके अलावा घोष या सघोष, घोष या सघोष, इसे घोष वर्ण भी कहते हैं, सघोष वर्ण भी कहते हैं। तो ये हर वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ये हर वर्ग का कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सभी वर्ण वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण को घोष या सघोष वर्ण कहते हैं, और पहले और दूसरे वर्ण को अघोष वर्ण कहते हैं हर वर्ग में। नेक्स्ट, कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? पहला ऑप्शन है ख, दूसरा ऑप्शन है ध, चौथा, तीसरा ऑप्शन है झ, चौथा ऑप्शन है भ। तो बताइए इसमें से अमानक वर्ण कौन सा है? इसका सही उत्तर है झ का यह रूप, यह रूप अमानक वर्ण में है। नेक्स्ट, क, ग, ज और फ ध्वनियां किसकी हैं? जिसमें इन चारों में नीचे नुक्ते लगे हुए हैं, नीचे बिंदी लगी हुई है, ये ध्वनियां किसकी हैं? क, ग, ज और फ, ये ध्वनियां किसकी हैं? पहला ऑप्शन है संस्कृत की, दूसरा ऑप्शन है अरबी फारसी की, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी की, चौथा ऑप्शन है दक्षिणी भाषाओं की। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? ये नुक्ता लगी हुई जितनी भी ध्वनियां हैं ये सभी अरबी फारसी से आई हैं, यानी ऑप्शन बी ये सही उत्तर है। नेक्स्ट, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 51, तीसरा ऑप्शन है 52, चौथा ऑप्शन है 53। तो बताइए हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। लेकिन यह बहुत ही विवादास्पद टॉपिक है। हिंदी में जो वर्णों की संख्या है इसमें बहुत सारे विद्वानों को में आपस में मतभेद है। हिंदी में वर्णों की जो संख्या बताई है वो किशोरीदास वाजपेयी ने 43 बताई है, कामता प्रसाद गुरु ने इनकी संख्या 46 बताई है, उदय नारायण तिवारी के अनुसार हिंदी में 51 वर्ण हैं, धीरेन्द्र कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी में कुल 53 वर्ण हैं जिसमें 13 स्वर और 40 व्यंजन हैं। तो हिंदी के वर्णों की संख्या के बारे में बहुत सारे विद्वानों के मध्य विवाद है, लेकिन फिर भी जो मानक वर्णमाला है उसमें 52 वर्ण हैं। तो हमारा ऑप्शन सी ये सही उत्तर है। नेक्स्ट, छ किस ध्वनि के अंतर्गत आती है? यह छ किस ध्वनि के अंतर्गत आती है? पहला ऑप्शन है मूल स्वर, दूसरा ऑप्शन है घोष वर्ण, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त वर्ण, चौथा ऑप्शन है तालव्य। तो बताइए कि यह छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? इसका सही उत्तर है संयुक्त वर्ण। यह छ, छत्र और ज्ञ, ये तीन संयुक्त वर्ण हैं। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? पहला ऑप्शन है क, दूसरा ऑप्शन है छ, तीसरा ऑप्शन है त्र, चौथा ऑप्शन है ज्ञ। तो बताइए हिंदी शब्दकोश में, शब्दकोश शब्द पर ध्यान रखिएगा, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? इसका सही उत्तर है क के बाद, क्योंकि ये जो छ है यह क और श के मिलने से बना है, इसलिए यह क वर्ग वाले में पहले आता है, यानी शब्दकोश में क वर्ग में आता है। जबकि हिंदी वर्णमाला में एक छ किसके बाद आता है? ह के बाद, ह, छ, त्र, ज्ञ, यानी हिंदी वर्णमाला में ह के बाद आता है लेकिन शब्दकोश में क वर्ग वाले में होता है। नेक्स्ट, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? यह जो ज्ञ वर्ण है यह किन वर्णों के संयोग से बना है? पहला ऑप्शन है ज और य, दूसरा ऑप्शन है ज और य, तीसरा ऑप्शन है ज और ध, चौथा ऑप्शन है ज और ञ। तो बताइए ज्ञ किन वर्णों के योग से बना है? इसका सही उत्तर है ये ज और य, क्योंकि यहां ज के साथ हलंत लगा हुआ है, यहां ज के साथ हलंत नहीं लगा हुआ है तो ये पूर्ण व्यंजन है जबकि ये आधा व्यंजन है, तो ज और य के संयोग से बना है ज्ञ, यानी हमारा ऑप्शन बी ये सही उत्तर है। नेक्स्ट, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है?
पहला ऑप्शन है अ, दूसरा ऑप्शन है ज, तीसरा ऑप्शन है ह और चौथा ऑप्शन है स। तो बताइए अघोष वर्ण कौन सा है? इसका सही उत्तर है स। स यह अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण अभी आपको बताया था मैंने कि हर वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण है वो अघोष वर्ण है। इसके अलावा यह भी आपको बताया था मैंने कि श, स और ये स, ये तीनों अघोष में भी आते हैं और महाप्राण में भी आते हैं। तो अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष में भी आते हैं और महाप्राण में भी आते हैं, तो ये तीनों, तो अघोष वर्ण इसमें से स है। नेक्स्ट, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? पहला ऑप्शन है मूर्धा, दूसरा ऑप्शन है कंठ, तीसरा ऑप्शन है तालु, चौथा ऑप्शन है दंत। तो बताइए घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका सही उत्तर है कंठ, क्योंकि अभी आपसे बात की थी हमने कि कवर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सभी कंठ से उच्चारित होते हैं, कंठ वर्ण हैं कवर्ग वाले। नेक्स्ट, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? पहला ऑप्शन है ढ, दूसरा ऑप्शन है ज्ञ, तीसरा ऑप्शन है अंग, चौथा ऑप्शन है ड। तो बताइए कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अभी आपसे बात की थी मैंने, बिल्कुल सही कहा आपने, इसका सही उत्तर है ज्ञ, क्योंकि यह ज और य के मिलने से बना है। तो अभी बताया था छ, त्र और ज्ञ, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, छ, त्र और ज्ञ को, इसे, इसे और इसे, इन तीनों को कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? कौन सा दंत्य नहीं है? नहीं शब्द पर ध्यान रखिएगा, यानी किसके उच्चारण में दांत का प्रयोग नहीं होता, दंत का प्रयोग नहीं होता। पहला ऑप्शन है त, दूसरा ऑप्शन है न, तीसरा ऑप्शन है द, चौथा ऑप्शन है ट। तो बताइए कौन सा इसका सही उत्तर है? इसका सही उत्तर है ट। ट यह दंत्य नहीं है, क्योंकि यहां ये त, न और द ये सभी तवर्ग के हैं और तवर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत्य, तो ये तीनों दांत से उच्चारित होते हैं जबकि ट का उच्चारण दांत से नहीं होता। नेक्स्ट, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अनुस्वार, दूसरा ऑप्शन है अयोगवाह, तीसरा ऑप्शन है अंतस्थ, चौथा ऑप्शन है अकारांत। तो बताइए जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, उसे कहते हैं अकारांत। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें कहते हैं अकारांत, जिसके अंत में आ आएगा उन्हें कहते हैं आकारांत, जिसके अंत में ई आएगा उसे कहेंगे इकारांत। तो जिन शब्दों के अंत में आता है अ उन्हें हम कहते हैं अकारांत। नेक्स्ट, छ वर्ण किसके योग से बना है? ये छ वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस स, क प्लस च, क प्लस छ या क प्लस श। तो बताइए कि यह छ वर्ण किसके संयोग से बना है? इसका सही उत्तर है ये जो छ वर्ण है यह क प्लस स के संयोग से बना हुआ है, क प्लस मूर्धन्य स ये छ बनाता है। तो हमारा सही उत्तर है पहला। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है 13। तो बताइए हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? यह एक बहुत विवादास्पद विषय है। हिंदी वर्णमाला में वैसे हमारा सही उत्तर है डी, हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर हैं, लेकिन कुछ विद्वान इससे असहमत हैं। स्वरों की जो संख्या है उसमें जो विद्वानों के बीच विवाद है, तो जहां भी यह स्थिति आए वहां आप ऑप्शन के अनुसार चयन करने की कोशिश करें। सामान्य स्थिति में जो स्वरों की संख्या है वो सामान्य स्थिति में ये 11 स्वर हैं, सामान्यतः ये 11 स्वर होते हैं। इसके अलावा अगर कुल संख्या पूछा जाए तो कुल संख्या ये 13 है, कुल संख्या जैसा कि इस सवाल में पूछा गया है कुल संख्या, तो कुल संख्या ये 13 है।
और शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से पूछा जाए तो शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से 10 हैं, शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से 10 हैं। सामान्यतः 11 वर्ण हैं, स्वर हैं, कुल संख्या पूछा जाए तो 13 स्वर हैं और शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से पूछा जाए तो 10 हैं, जिसमें अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, ये 10 हैं। इसके अलावा अंग और अह, इनको मिला दें तो ये 12, इसके अलावा एक री, ये 13 स्वर हैं। तो 13 स्वर में कुछ विद्वान री और अंग अह को नहीं मानते हैं स्वर, कुछ लोग री को स्वर में शामिल करते हैं। कुल संख्या 13 हो गई, जिसमें अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह री और ये 13। इसके अलावा जब री और अंग अह को हटा देंगे तो ये हो जाएंगे उस शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से 10। सामान्यतः अंग और अह को स्वर में नहीं मानते लेकिन री को मानते हैं, तो अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ प्लस री, ये मिलाकर 11। तो इस वाले सवाल के आंसर देने में बहुत ही सावधानी की जरूरत होगी, तो यहां आप इस बात पर ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा गया है और उसके रिस्पेक्ट में जो आंसर दिए गए होंगे सही, उसका सही विकल्प चुनिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, कौन सा स्वर नहीं है, यह तो बहुत आसान सवाल आ गया आपके सामने। पहला ऑप्शन है अ, दूसरा ऑप्शन है उ, तीसरा ऑप्शन है ए और चौथा ऑप्शन है य। तो इसका सही उत्तर क्या है, बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें य, यह स्वर नहीं है, यह व्यंजन है, जबकि अ उ और ए ये सभी स्वर हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन टवर्ग नहीं है, कौन सा टवर्ग नहीं है, आपको हिंदी वर्णमाला याद होगी तो इसका आंसर तो आप ऐसा ही दे सकते हैं, कौन सा टवर्ग नहीं है। पहला ऑप्शन है ठ, दूसरा ऑप्शन है ढ, तीसरा ऑप्शन है ण, चौथा ऑप्शन है घ। तो बताइए कौन सा टवर्ग नहीं है, इसका सही उत्तर है घ, यह टवर्ग नहीं है, जबकि ये ट ठ ड ढ न ये तीनों टवर्ग में आते हैं, जबकि घ ये कवर्ग में आता है। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 32, दूसरा ऑप्शन है 34, तीसरा ऑप्शन है 33, चौथा ऑप्शन है 36। तो बताइए कि हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं, हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं, यानी हमारा ऑप्शन सी ये सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। पहला ऑप्शन है आ, दूसरा ऑप्शन है ई, तीसरा ऑप्शन है ज और चौथा ऑप्शन है ढ। तो बताइए कि इनमें से पश्च स्वर कौन सा है, पश्च स्वर है आ, यानी पहला ऑप्शन ये सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है, कौन सा अयोगवाह। पहला ऑप्शन है विसर्ग, दूसरा ऑप्शन है महाप्राण, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, चौथा ऑप्शन है अल्पप्राण। तो बताइए कि अयोगवाह कौन सा है, बिल्कुल सही पहचाना आपने, अयोगवाह ये विसर्ग अयोगवाह है, क्योंकि अयोगवाह जो होते हैं ये दो हैं हमारे अंग और अह, ये दो हमारे अयोगवाह हैं, जिसमें अंग के लिए ये बिंदी का प्रयोग करते हैं और अह के लिए विसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो ये विसर्ग हमारा अयोगवाह है। नेक्स्ट, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। पहला ऑप्शन है दंत्य, दूसरा ऑप्शन है ओष्ठ, तीसरा ऑप्शन है तालव्य, चौथा ऑप्शन है वत्सर्य। तो बताइए कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है, बिल्कुल सही कहा आपने, इसका सही उत्तर है तालव्य, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान यह तालव्य है। च छ ज ये सभी च वर्ग के हैं, ये तालु से उच्चारित किए जाते हैं, तो इन्हें हम तालव्य भी कहते हैं। इसके अलावा जो तालव्य में वर्ण आते हैं वो आते हैं ई ई और य और स, तावर्ग ये जो तालव्य आते हैं इसमें ई ई चवर्ग, चवर्ग के सभी वर्ण और य और श ये तालव्य में आते हैं, इतने सारे वर्ण ये सभी तालव्य वर्ण में आते हैं, यानी इनके उच्चारण में तालु का प्रयोग होता है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? नहीं शब्द पर ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है क्ष, दूसरा ऑप्शन है श, तीसरा ऑप्शन है त्र और चौथा ऑप्शन है ज्ञ। तो बताइए इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? बिल्कुल सही कहा आपने, इसका सही आंसर है बी, ये श, ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। छ, त्र, ज्ञ, ये तीन संयुक्त व्यंजन है, ये पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों ही संयुक्त व्यंजन है। तीन ही संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र और ज्ञ। ये श या इसे मूर्धन्य श भी कहते हैं, तो ये मूर्धन्य श, यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। और इसका नाम मूर्धन्य श है तो ऑटोमेटिकली समझ लीजिए कि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। नेक्स्ट, तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है च, छ, ज, झ, दूसरा ऑप्शन है ट, ठ, ड, ढ, तीसरा ऑप्शन है त, थ, द, ध और चौथा ऑप्शन है प, फ, ब, भ। तो बताइए तालव्य व्यंजन कौन से हैं? अभी आपको बताया है मैंने तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, इसका सही उत्तर है च, छ, ज, ये सभी तालव्य व्यंजन हैं। अभी आपको बताया था मैंने कि ई, ई, चवर्ग और य और स, ये सभी तालव्य व्यंजन है। तो इसमें जो चवर्ग के वर्ण है च, छ, ज, झ, ये सभी तालव्य व्यंजन है। नेक्स्ट, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? य, र, ल, व, इन सबको कौन से वर्ग में रखा गया है? पहला ऑप्शन है तालव्य, दूसरा ऑप्शन है उष्ण, तीसरा ऑप्शन है अंतस्थ, चौथा ऑप्शन है ओष्ठ्य। तो बताइए य, र, ल, व को किस वर्ग में रखा गया है? इसका सही उत्तर है अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट, अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध कहां से होता है? पहला ऑप्शन है केवल नाक से, दूसरा ऑप्शन है केवल मुंह से, तीसरा ऑप्शन है नाक और मुंह दोनों से, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अनुनासिक का संबंध यह होता है नाक और मुंह दोनों से, नाक और मुंह दोनों से ये उच्चारित किए जाते हैं अनुनासिक वर्ण। नेक्स्ट, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? दोनों सवाल एक जैसे हैं लेकिन वहां उच्चारण के आधार पे था, यहां उनके क्रम के आधार पे है। तो बताइए अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? पहला ऑप्शन है वर्ग के प्रथमाक्षर, दूसरा वर्ग के तृतीयाक्षर, तीसरा वर्ग के चतुर्थाक्षर या चौथा वर्ग के पंचमाक्षर। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है वर्ग का पंचमाक्षर। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, यवर्ग, सॉरी, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये जितने भी वर्ग हैं यानी कख, गघ, च, छ, झ, ट, ठ, ड, ढ, इन सारे वर्गों के जो पंचमाक्षर होते हैं, लास्ट वाले वर्ण होते हैं, वो सभी अनुनासिक व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 10, सॉरी, तीसरा ऑप्शन है 11, चौथा ऑप्शन है 14। तो बताइए कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? इसका सही उत्तर है 11। अभी आपको बताया मैंने कि हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या में विवाद है। कुछ लोग इसमें शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर मानते हैं, कुछ लोग री को मिला लेते हैं शुद्ध उच्चारण के साथ तो 11 स्वर मानते हैं, कुछ लोग उसमें अयोग वाह को भी मिला लेते हैं स्वरों में तो 13 मानते हैं। तो ये प्रश्न के विकल्पों के आधार पे उसमें क्या पूछा गया है उसके आधार पे बड़े सोच विचार के इसका उत्तर दीजिएगा कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में 10 स्वर भी कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ विद्वान 11 भी मानते हैं, कुछ विद्वान 13 भी मानते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित मत है उसके अनुसार हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। नेक्स्ट, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है और, दूसरा ऑप्शन है ए, तीसरा ऑप्शन है क, चौथा ऑप्शन है त। तो बताइए कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? इसका सही उत्तर है कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है और, यानी हमारा ऑप्शन पहला ये सही उत्तर है। नेक्स्ट, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? पहला ऑप्शन है शब्द फिर ध्वनि फिर वाक्य फिर पद, या दूसरा ऑप्शन है शब्द फिर वाक्य फिर ध्वनि फिर पद, या तीसरा ऑप्शन है पद फिर वाक्य फिर ध्वनि फिर शब्द, या चौथा ऑप्शन है ध्वनि शब्द पद और वाक्य। तो बताइए भाषा निर्माण
की जो इकाइयां हैं उनका सही अनुक्रम क्या है? इसका सही अनुक्रम है ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य, यानी हमारा चौथा ऑप्शन ये सही उत्तर है। ध्वनि भाषा निर्माण की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। ध्वनि के बाद शब्द बनते हैं, शब्द के बाद पद बनते हैं, पद के बाद वाक्य बनते हैं, तो सही क्रम हमारा चौथा है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। कंठ से लेकर मुख विवर यानी मुंह तक में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है? पहला ऑप्शन है कंठ, तालव्य, वत्सर्य, दंत्य और ओष्ठ्य। दूसरा ऑप्शन है तालव्य, कंठ, ओष्ठ्य, दंत्य और वत्सर्य। तीसरा ऑप्शन है दंत्य, ओष्ठ्य, कंठ, वत्सर्य, तालव्य। चौथा ऑप्शन है ओष्ठ्य, वत्सर्य, तालव्य, कंठ और दंत्य। तो बताइए कि इसमें मुख विवर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है? इसका सही उत्तर है कंठ, उसके बाद तालव्य, उसके बाद वत्सर्य, फिर दंत्य और फिर ओष्ठ्य, यानी हमारा पहला ऑप्शन ये सही उत्तर है। तो आज हमारे हिंदी वर्णमाला के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेस से, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके विस्तृत व्याख्या, इसके अलावा विस्तृत पाठ भी। तो और जिन टॉपिक पे आपको वीडियो की जरूरत है उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी से जल्दी उस विषय पर वीडियो बनाकर अपलोड कर सकें, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो हमारे लिए प्रेरणादायी होता है, उससे हमारा उत्साह बढ़ता है कि हमारे वीडियो को देखकर आप लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। तो कमेंट करने में हिचकिचाइए मत, और हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए, आपके सुखद भविष्य के लिए, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए आपके साथ खड़े हैं, आपकी तैयारी में। तो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।